हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। वेलकम टू DSH। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट का हम केस चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल गाइस, जैसा आप इधर देख पा रहे होंगे कि अपने जितने भी टेक्स्ट नाम लिखे हैं वो सारे के सारे कैपिटलाइज्ड हैं। अगर आप चाहें तो प्रॉपर में चेंज करना, मीन्स कि हर एक वर्ड का पहला जो कैरेक्टर है, पहला लेटर है, वो कैपिटलाइज्ड रहे, बकाया सभी आपके स्मॉल में रहें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यूज करना है। तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू कर देंगे, प्रॉपर कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे जितने हमारे फंक्शन फॉर्मूले रहते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं रहते। कहने का मतलब कि हम अगर चाहें तो कैपिटल में और स्मॉल लेटर कोई भी यूज कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स, हम यहाँ पे वो सेल का एड्रेस देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं सेल का, एंड इसे आपको क्लोज कर देना होगा। एंटर करते ही हमारे सामने वो नाम आ जाएगा, और ये एक प्रॉपर वे में रहेगा, प्रॉपर केस में रहेगा, जिसमें आपका वर्ड का पहला जो कैरेक्टर है आपका कैपिटल रहेगा, बकाया सारे स्मॉल रहेंगे। उसके अलावा चलिए हम सिटी में देख लेते हैं। जैसा कि अपना इधर सभी कैपिटल में है, हम सभी स्मॉल में चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे जाके लोअर टाइप कर देना है, एंड सेम प्रोसेस यूज करनी है गाइस। आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। तो आप ये देख पा रहे होंगे किस तरह से ये अपना लोअर केस में आ गया है। ड्रैग ड्रॉप कर देंगे, सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई नाम है इधर अपने स्मॉल में है, आप चाहते हैं कि इसे कैपिटल में हो जाए, तो आपको बस यहाँ पे इक्वल टू साइन यूज करना है, अपर कर देना है, एंड देन सेम प्रोसेस यूज कर देनी है। तो आप देख पाएंगे किस तरह से ये अपना कैपिटल में हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये अपने कुछ फॉर्मूले हैं, फंक्शंस हैं, जो कि आप इधर देख पाएंगे। उसके अलावा अगर आप इसके अलावा और कोई भी फंक्शन फॉर्मूले यूज करना चाहते हैं कुछ इस तरह से, तो आपको किसी भी सेल पे जहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, शिफ्ट के साथ आपको F3 यूज कर देना है, तो आपके सामने वो सारे के सारे फंक्शन ओपन हो जाएंगे, और आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाया करते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे टेक्स्ट का है, लॉजिकल का है, इंफॉर्मेशन का है, जैसा भी जो भी आपके लिए सुटेबल हो आप यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है गाइस कि मैं आपको समझा पाया हूँ किस तरह से एक्सेल में चेंज केस अप्लाई करते हैं। तो थैंक्स।